जिस अंकिता के लिए आज पूरे राज्य में न्याय की गुहार लगाई जा रही है, उस अंकिता का आज जन्मदिन है। अगर वो आज जिंदा होती तो अपना 20वां जन्मदिन मना रही होती। हर पल हंसते मुस्कुराते अंकिता के साथ अचानक ऐसी अनहोनी हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आज जिस घर में जन्मदिन की खुशी मनाई जानी थी, उस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसके जन्मदिन पर केक काटा जाना चाहिए, उसकी फोटो पर हार चढ़ा हुआ है। उसके माता पिता की आंखों में आंसू है और लगातार उनकी उम्मीद हाई कोर्ट पर टिकी है कि किसी तरह उनकी बेटी को न्याय मिले। अंकिता के जन्मदिन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 18 सितंबर की वो रात जब अंकिता भंडारी गायब हुई थी, और जैसे ये खबर राज्य के लोगों तक पहुंची तो एक आग सी फैल गई। वो आग थी अंकिता के लिए न्याय की, मगर अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं। आज अंकिता भंडारी का जन्मदिन है। अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वो घर से दूर रहकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, मगर अभी उसने पैर जमाने शुरू ही किए थे कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। 23 सितंबर को अंकिता के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से निकाला गया, और तब से अंकिता के परिजनों के आंसू थमे नहीं। अंकिता के लिए न्याय की मांग देश के कोने कोने से हो रही है। पौड़ी जिले की निवासी अंकिता के लिए आशुतोष नेगी ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज नैनीताल कोर्ट ने सुनवाई भी की है। और जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट SIT के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाया है, जिस पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। अंकिता के परिजनों का मानना है कि अगर अंकिता को न्याय मिल जाता है तो ये अंकिता के जन्मदिन का तोहफा होगा। ये मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया, तब से ही कभी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया, कभी आग लग गई, किसी न किसी तरीके से ये केस उलझता गया। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है। अंकिता का जन्मदिन आज अंकिता के बिना मनाया जा रहा है। जिस घर में रौनक होनी थी, उस घर में मातम के सिवा कुछ नहीं है। अंकिता को हमारी श्रद्धांजलि। लगातार ये मामला बढ़ रहा है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि बढ़ते समय के साथ ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आए। इस मामले में लगातार हम जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड तक।